आज हम देख रहे हैं कि भारत ने ना केवल विश्व मंच पर अपना यथोचित स्थान बनाया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाया भी है। अपनी यात्राओं और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत के दौरान मैंने अपने देश के प्रति उनमें एक नया विश्वास तथा गौरव का भाव देखा है। भारत पूरी दुनिया में विकास के लक्ष्य और मानवीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अग्रणी स्थान बनाया है तथा G20 देशों की अध्यक्षता का दायित्व भी संभाला है। चूंकि G20 समूह दुनिया की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए ये हमारे लिए वैश्विक प्राथमिकताओं को सही दिशा में ले जाने का एक अद्वितीय अवसर है। G20 की अध्यक्षता के माध्यम से भारत व्यापार और वित्त के क्षेत्र में हो रही निर्णयों को न्याय संगत प्रगति की ओर ले जाने में प्रयासरत है। व्यापार और वित्त के अलावा मानव विकास से जुड़े विषय भी कार्यसूची में शामिल किए गए हैं। ऐसे कई मुद्दे जो पूरे मानवता के लिए महत्वपूर्ण है और किसी भौगोलिक सीमा से बंधे हुए नहीं है। मुझे विश्वास है कि भारत के प्रभावी नेतृत्व के साथ G20 के सदस्य देश उन मोर्चों पर उपयोगी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। भारत महिलाएं विकास और देश सेवा के हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर योगदान दे रही हैं तथा राष्ट्र का गौरव बढ़ा रहे हैं। आज हमारी महिलाओं ने ऐसे अनेक क्षेत्रों में अपना विशेष स्थान बना लिया है जिनमें कुछ दशकों को पहले उनकी भागीदारी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि हमारे देश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आर्थिक सशक्तिकरण से परिवार और समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत होती है। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करती हूँ कि वे महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दें। मैं चाहूँगी कि हमारी बहनें और बेटियाँ साहस के साथ हर तरह की चुनौतियों का सामना करें और जीवन में आगे बढ़ें। महिलाओं का विकास स्वाधीनता संग्राम के आदर्श में शामिल है। प्यारे देशवासियों, स्वतंत्रता दिवस